बिस्मिल्लाह। आज हम सॉल्ट एनालिसिस के अंदर मर्क्यूरस को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मर्क्यूरस को पढ़ेंगे। ठीक है, दोबारा से एक दफा रिवाइज करवा दूं। मर्क्यूरस जो है वो हमारे पास एक बेसिक रेडिकल है और बेसिक रेडिकल के ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर 1 में 3 रेडिकल्स हैं। ठीक है, उनमें से एक जो है वो सिल्वर है, दूसरा प्लम्बस है यानी लेड जिसको हम कहते हैं Pb+2 वाला, और तीसरा जो है वो मर्क्यूरस यानी Hg2+2। ठीक है, अच्छा मर्क्यूरस जो है हमेशा एक डायमंड की फॉर्म में मतलब रहता है। एक हमारे पास इसका दूसरा जो है वो मतलब चार्ज भी मौजूद होता है, ये मर्क्यूरस का मर्क्यूरी एक्चुअल में ये है जिसको हम पारा कहते हैं, जो थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक के ऊपर जो है वो +2 चार्ज होता है, जिस ये है इसके भी +2 चार्ज है, और इसका नाम जो है वो मर्क्यूरस नहीं है बल्कि ये मर्क्यूरी कहलाएगा। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी है, अगर किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा वैलेंसी हो तो हम उसके लिए मुतवैर वैलेंसी का अलग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मर्क्यूरी जो है उसकी वेरिएबल वैलेंसी है, तो ये जो हाई वैलेंसी है इसको मर्क्यूरिक जो है वो नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो यहाँ पे वैलेंसी है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये भी +2 है। हमने देखना है जब भी हम वैलेंसी देखते हैं या चार्ज देखते हैं एक एटम के ऊपर, तो देखते हैं कि एक के ऊपर कितना चार्ज है। ये Hg2+2 हमारे पास दो के ऊपर चार्ज है +2। हम एक की बात जब करेंगे एक Hg पे, यहाँ पे +1 ही चार्ज है। ठीक है, तो जहाँ पे Hg की या मर्करी की +1 वैलेंसी होती है, ठीक है, तो वहां पे इसका नाम मर्क्यूरस होता है। ठीक है, अब Hg जो सिंबल आया है Hg मर्करी से आया है, मतलब ये मर्करी का सिंबल है। ठीक है, लेकिन मर्करी के सिंबल होने के साथ साथ इसकी जो सिंबल है उसमें मर्करी जैसी कोई लगती नहीं है कि ये मर्करी से जो है वो ओरिजिनेट हुआ हो, इस तरह की वर्डिंग नहीं है उसके अंदर। तो बेसिकली जो सिंबल है Hg, ये जिस लव से आया है वो है हाइड्रार गायरम, हाइड्रार गायरम। ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए जो लव इस्तेमाल होता है उसको हम मर्करी कहते हैं, लेकिन मर्करी से इसका सिंबल नहीं आया और हम इसके लिए पारा का लव इस्तेमाल करते हैं। मर्करी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इट इज अ लिक्विड मेटल, ये हमारे पास माया धात होती है, और जो हमारे पास सिल्वर कलर का थर्मामीटर के अंदर एक मटेरियल फौरन से ऊपर जाता है फौरन से नीचे आता है, वो बेसिकली मर्करी या जिसको हम कहते हैं पारा, वो ही होता है। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं कि हम क्या क्या करेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जब भी हमारे पास बेसिक रेडिकल्स शुरू होंगे तो हमने उसके लिए ड्राई टेस्ट करने हैं। ठीक है, ड्राई टेस्ट जो है वो टोटल 3 से 4 ड्राई टेस्ट हैं। जिस ड्राई टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम सॉल्ट को पानी में नहीं डालते, डायरेक्ट सॉलिड सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो ड्राई टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो उनमें से सबसे पहला टेस्ट जो है वो कलर का टेस्ट होता है। जब भी आपको सॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है यू हैव टू ऑब्जर्व कलर, आपको उसके रंग को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, जब हमारे पास मर्करी का साल्ट आएगा, मर्करी के साल्ट को हम जब देखेंगे तो वो कलरलेस होगा, कलर मतलब जिस जो कलर्ड वाले सॉल्ट है उस तरह का नहीं होगा, कलरलेस मतलब इस तरह से होगा कि वाइट कलर होगा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये रंगीन कलर नहीं होंगे, ठीक है, वाइट कलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे लिखेंगे नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट। हमने जब भी कोई सॉल्ट लेना है तो उसका कलर नोट करना है, नोटेड द कलर ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में क्या आ जाएगा, व्हाइट कलर। जो ही व्हाइट कलर आएगा तो जितने भी कलर्ड सॉल्ट हैं वो एब्सेंट हो जाएंगे। अब कलर्ड सॉल्ट जो है उनके बारे में हमने पहले डिस्कशन की थी कि कॉपर के जो कलर्ड सॉल्ट हैं वो ब्लू हो सकते हैं या ग्रीन हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह कॉपर सल्फेट अगर किसी के पास आ जाता है तो वो आंखें बंद करके जो है वो बता सकता है कि मतलब
ये कौन सा सॉर्ट है, क्योंकि उसका कलर ब्लू होता है, डार्क ब्लू होता है, ठीक है, आप आराम से देखते ही उसको जान जाते हो कि ये कॉपर का सॉर्ट है। और कॉपर सल्फेट जो है वो बहुत अच्छा एक ब्लू कलर देता है, कॉपर सल्फेट को हम नीला धोता भी कहते हैं। अच्छा, तो एंट्रेंस में हम लिखेंगे जितने भी कलर्ड सॉर्ट और जो रेडिकल कलर्ड सॉर्ट बनाते हैं, जो कि टोटल 7 है, आप उनके नाम लिखेंगे। नंबर 1 जो है वो कॉपर +2, ठीक है। इसके अलावा जो है फेरस Fe+2, फेरिक Fe+3, निकल Ni+2, कोबाल्ट Co+2, क्रोमियम Cr+3, ठीक है। ये अभी तक हमारे पास 6 हो गए। एंड लास्ट वन इज मैंगनीज Mn+2, आर एब्सेंट। जितने भी कलर्ड सॉल्ट हैं वो एब्सेंट हो गए, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं नोटिटिक स्मेल ऑफ दिस सॉल्ट, ठीक है। हमने रंग नोट करने के बाद स्मेल यानी बू कौन सी आ रही है, नोटिटिक स्मेल ऑफ दिस सॉल्ट। जो ही हम सॉल्ट की स्मेल नोट करते हैं, नो स्मेल ऑफ अमोनिया, वो सिर्फ हम अमोनिया के लिए देखते हैं, अमोनिया की स्मेल फॉरन से ऑब्जर्व हो जाती है, नो स्मेल ऑफ अमोनिया। NH3 मैंने लिखा है लेकिन ये अमोनिया के लिए है, अमोनियम इज एब्सेंट, क्योंकि अमोनिया की स्मेल तब आती है जब हमारे पास बेसिक रेडिकल अमोनियम हो, अमोनियम इज एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या होगा, फ्लेम टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो करेंगे, ठीक है। तीसरा जो टेस्ट है वो फ्लेम टेस्ट है, उसके लिए क्या करेंगे, मेल्ट द पेस्ट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। मेल्ट द पेस्ट ऑफ द सॉल्ट, विद कंसेंट्रेटेड एक्सियल, एंड परफॉर्म फ्लेम टेस्ट। विद प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम एक मेटल है बहुत कॉस्टली, उसके बनी हुई एक वायर होती है प्लैटिनम वायर। तो मर्क्यूरी जो है वो कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या मखसूस फ्लेम भी नहीं देता, ठीक है। तो नो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम यानी कोई कलर नहीं आएगा फ्लेम में। तो वो वाले सॉल्ट, वो वाली बेसिक रेटिकल्स जो फ्लेम टेस्ट देते हैं वो सारे एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। हमारे पास जो फ्लेम टेस्ट देते हैं वो कौन कौन है, सोडियम, और ये कौन कौन से कलर के साथ देते हैं ये हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम पे दोनों पे प्लस टू चार देते हैं, बेरियम, कॉपर, कॉपर इधर भी आता है फ्लेम टेस्ट में भी अपीयर होता है, आर एब्सेंट। लास्ट वन हम जो टेस्ट करेंगे ड्राई टेस्ट वो होगा फिल्टर एश टेस्ट। आज फिल्टर एश टेस्ट के कलर्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बाकी दोनों के कलर्स की हम बात कर चुके हैं, जो कलर सॉल्ट होते हैं उनमें जो रेडिकल्स मौजूद हैं उनके कौन से कलर होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया है, और सॉल्ट का जो फ्लेम टेस्ट है उसके जो कलर्स आते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम फ्लेम टेस्ट के बाद जो फिल्टर ऐश टेस्ट है उसके ऊपर बात करेंगे। टेस्ट का नाम जो है फिल्टर ऐश टेस्ट, ठीक है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने फिल्टर पेपर जो है उसको सॉल्ट के कोबाल्ट नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप करके जलाना होता है फिल्टर पेपर को, और एक रंगीन ऐश या राख उसे हासिल होती है, जिसे हम चार जो है वो बेसिक रेडिकल्स का पता चला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिप दिस फिल्टर पेपर डिप दी फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर को डिप करेंगे, डुबोएंगे किसमें, इन सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हैविंग सॉल्ट, यानी उसमें पहले ही हमने नमक मिक्स किया होगा, जो हमें सॉल्ट देंगे हमने उसको पहले कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, और जो हमें सॉल्ट दिया गया होगा उसकी एक चुटकी उसके अंदर डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद फिर उसमें फिल्टर पेपर डिप करना, ठीक है? हैविंग सॉल्ट इन इट देन बर्न द फिल्टर पेपर, बर्न फिर जलाया द फिल्टर पेपर एंड नोटेड द कलर ऑफ ऐश। नोटेड द कलर, ठीक है? मर्क्यूरस जो है वो उन चार बेसिक रेडिकल्स में शामिल नहीं है जो फिल्टर ऐश टेस्ट देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, नो कैरेक्टरिस्टिक ऐश, कोई मखसूस राख भी नहीं हमें मिलेगी। तो फिर कौन कौन से जो रेडिकल्स हैं वो ये टेस्ट देते हैं, ठीक है? नंबर 1 जो है वो मैग्नीशियम, अच्छा जिस कलर का होगा मैग्नीशियम का जो एच टेस्ट उसी से लिखने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली वो कलर मेरे पास तो नहीं मौजूद, ठीक है? जिस तरह मैग्नीशियम जो है वो पिंक कलर देता है, पिंक राख होगी, ठीक है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो ब्लू कलर देता है, लेकिन ये मैं आपको इस वक्त ब्लू तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। एल्यूमिनियम हमें ब्लू कलर देता है, ठीक है? इसके अलावा जो जिंक है उसकी कलर, उनकी जो राख होती है वो ग्रीन होती है, ठीक है? अब जो हमारे पास टिन एक बेसिक रेडिकल है वो ब्लूइश ग्रीन कलर देता है। तो एग्जैक्टली तो कोई इस तरह की मेरे पास नहीं है यहाँ पे कलर स्कीम की मैं एग्जैक्टली ब्लू ग्रीन कलर दूँ, तो मैं उसको लाइट इस तरह का कलर लिख देती हूँ, ब्लू ग्रीन। टिन जो है ये ब्लू ग्रीन कलर देते हैं, ठीक है? तो ये तीन चार कलर्स की जो एशेज हैं, ये राख हैं, वो हमारे पास आती हैं जब हमारे पास कोई भी रेडिकल जो है वो ये टेस्ट देगा, ठीक है? तो मर्क्यूरी इसमें शामिल नहीं है, इस वजह से हमें कोई कलर राख का नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन बेसिक रेडिकल्स में हमने पहले ये टेस्ट परफॉर्म कर, ग्रुप रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl, ठीक है? तो हम ये बेड टेस्ट के अंदर आएगा, इसमें हमने सबसे पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है? ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं इसको हमने बार बार डिस्कस किया है कि हमने नमक लेना है, एक चुटकी नमक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, फिर इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, नॉर्मल वाटर नहीं डालना, ये हमें लैब में से मिलेगा, आपने इसको ढूंढना है। डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर ऐड नहीं कर देना, नलके का पानी नहीं डालना, अच्छे से मिक्स करना, तो ये एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, आप भी महंगी इसको कहते हैं, ठीक है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बन जाएगा, आप भी महंगी, ठीक
ठीक है, इस एक्वस सॉल्यूशन को हम ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं और हम इसको ओ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो फिर उसके बाद हम जो दूसरी चीज इसके अंदर ऐड करेंगे वो है डाइल्यूट एचसीएल। जो ही डाइल्यूट एचसीएल ऐड करेंगे हमें यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर हम ऐड करेंगे यहाँ पे डाइल्यूट एचसीएल। जो ही डाइल्यूट एचसीएल ऐड करते हैं हमें प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ठीक है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट जिसको हम लिखेंगे व्हाइट लिक्विडिटी, व्हाइट पीपीटी हमें मिलेंगे, यानी सफेद रंग के छोटे छोटे पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स जिनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, और व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रुप वन इंडिकेट हो गया, क्योंकि ये ग्रुप वन का इंडिकेटर हो। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे ग्रुप वन इज प्रेजेंट। ठीक है, ग्रुप वन, और ग्रुप वन के जितने रेडिकल्स हैं वो आपने ऐड करने हैं कि या तो ये सिल्वर हो सकता है, प्लम्बस यानी कि लेड भी हो सकता है, मर्करी यानी कि मर्क्यूरस भी हो सकता है। ठीक है, ग्रुप वन इज प्रेजेंट, हमें ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया। अब हमने रेडिकल आइडेंटिफाई करना है, कौन सा रेडिकल है इन तीनों में से। ठीक है, रेडिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है हम करना चाहेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ही वाइट प्रेसिपिटेट ऐड हो जाएंगे तो हम इसमें तीसरी चीज ऐड करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अबव पीपीटी ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन अबव पीपीटी। जो ऊपर प्रेसिपिटेट बने उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे, जो ही हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो ब्लैक प्रेसिपिटेट्स नजर आएंगे। ठीक है, दोनों में ब्लैक प्रेसिपिटेट्स नजर आते हैं, ब्लैक पीपीटी। ठीक है, ब्लैक प्रेसिपिटेट्स नजर आ जाएंगे, ब्लैक प्रेसिपिटेट्स हमें नजर आएंगे तो हम कहेंगे ये इंडिकेशन है मर्क्यूरस इज इंडिकेटेड। ठीक है, ये मर्क्यूरस की निशानदेही करेंगे। और ये केमिकली जो है हमने ये बताना होगा कि ये प्रेसिपिटेट्स जो है वो क्या चीज है। ठीक है, ये हम केमिकली क्या चीज है हम आगे जाके बात करेंगे जब हमने इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्स्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है कि आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है, जैसे हम अभी बात कर चुके हैं कैसे बनाएंगे। उसके अंदर उसमें ऐड करना है एक और सॉल्यूशन, वो है पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4। जब ये हम ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में जो है वो रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, रेड ब्राउन सॉलिड पार्टिकल मिलेंगे। ठीक है, पीपीटी, और ये केमिकली क्या होंगे, ये बेसिकली जो है हमारे पास मर्क्यूरस क्रोमेट होंगे। ठीक है, ये हमारे पास केमिकली मर्क्यूरस क्रोमेट होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पीपीटी ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये प्रेसिपिटेट केमिकली है। ठीक है, तो आगे हम रिजल्ट लिखेंगे कि मर्क्यूरस इज कंफर्म्ड या मर्करी जो है वो कंफर्म हो गया, मर्क्यूरस इज कंफर्म्ड। जब हम मर्क्यूरस कहते हैं तो ये हम इसके रेडिकल की बात कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली जो इसका नेम बनता है मर्करी, तो हम इसको जनरली कह देते हैं चाहे वो मर्क्यूरी हो या मर्क्यूरस। सेकेंड जो है कन्फर्मेटरी टेस्ट वो किस तरह से करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे और इसमें ऐड करेंगे पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने से हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो हैं डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट होंगे। और ये केमिकली जो है प्रेसिपिटेट क्या होंगे, ये होगा मर्क्यूरस, अदरवाइज हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगेन मर्क्यूरस इज कन्फर्म्ड। उसके बाद थर्ड वन एंड लास्ट वन है ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम इनके इक्वेशंस लिखेंगे रिजल्ट लिखने के बाद, तो हमारे पास अब जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो ग्रे प्रेसिपिटेट है, ग्रे कलर के, ग्रे पीपीटी, और केमिकली वो होंगे मर्क्यूरस ऑक्साइड।
ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मर्क्यूरस इज कंफर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम रिजल्ट लिख देंगे फोरम से इसका, द गिवन अननोन सॉल्ट, दिए गए नामालूम, द गिवन क्योंकि आपके लिए वो नामालूम है कि आपको ये नहीं पता कि इसमें कौन सा जो है वो बेसिक रेडिकल है और कौन सा एसिड रेडिकल है। द गिवन अननोन सॉल्ट कंटेन्स कंटेन्स रखता है मर्क्यूरस एज बेसिक रेडिकल, मर्क्यूरस को बेसिक रेडिकल के तौर पर रखता है, ठीक है। अब हमने इनकी इक्वेशंस देखते हैं, ठीक है। अब हमने मर्क्यूरस का कोई सा भी सॉल्ट जो है वो खुद से ले लेना है, ठीक है। इस तरह हम मर्क्यूरस का सॉल्ट ले लेते हैं, कौन सा सॉल्ट लेना है हम मर्क्यूरस का, मर्क्यूरस का हम सॉल्ट लेंगे मर्क्यूरस नाइट्रेट, ठीक है। ये सॉल्ट ले लिया, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। इसमें जो ही हम ऐड करते हैं HCl, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होता है कि ये जो मर्क्यूरस है ये क्लोराइड के साथ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। और क्या बनता है, मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड, ये हमारे पास मर्क्यूरस क्लोराइड जो है वो सॉलिड बनेगा, तो ये जाके एसिटेट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो व्हाइट पीपीटी यहाँ पे बने, ये व्हाइट पीपीटी बेसिकली मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक हो गया। अच्छा, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ जो है साथ में क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड HNO3, हमें यहाँ पे ये टू लेने पड़ेंगे और HNO3 भी दो बनते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनता है। उसके बाद हम ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड है उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम मर्क्यूरस क्लोराइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, MgCl2 प्लस सोडियम। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है पोटेशियम क्रोमेट के साथ, सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। क्या होगा, मर्क्यूरी मर्क्यूरस नाइट्रेट रिएक्ट करता है KCrO4 के साथ, K2CrO4 है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये जो है आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा मर्क्यूरस क्रोमेट HG2CrO4, ठीक है। यही रेड ब्राउन एसिटेट्स बनाएगा और ये साथ बन जाएगा पोटाशियम, दो फॉर्मूला यूनिट पोटाशियम नाइट्रेट के, ये वाटर सोल्यूबल है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। जो प्रेसिपिटेट है उसमें डाउनवर्ड एरो शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पोटाशियम आयोडाइड है, तो हम यहीं पे चेंज करके इसको पोटाशियम आयोडाइड लिख देते हैं, में दो फॉर्मूला यूनिट पोटाशियम आयोडाइड के लेने पड़ेंगे और हमारे पास मर्क्यूरस आयोडाइड बनेगा, ठीक है। अब हम एरो जरा दूसरी साइड पे करेंगे, ठीक है। बाकी दो पोटाशियम नाइट्रेट बनेंगे, ये पोटाशियम है दो पोटाशियम नाइट्रेट के साथ मिलके दो पोटाशियम नाइट्रेट बनाएंगे और यहाँ पे दो फॉर्मूला यूनिट जो है वो पोटाशियम मर्क्यूरस आयोडाइड के बनेंगे। तो एरो को हम अब इधर कर देते हैं नीचे की तरफ, कि ये मर्क्यूरस आयोडाइड ये डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन यहाँ पे होता है, ठीक है। मर्क्यूरस जो है नाइट्रेट जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है, ठीक है। ये जो सोडियम है ये तो दो नाइट्रेट के साथ मिलकर दो सोडियम नाइट्रेट के फॉर्मूला यूनिट बना देते हैं, ठीक है। ये तो इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाकी जो हाइड्रोक्साइड है ना, ये दो हाइड्रोक्साइड है, तो इनमें से इस तरह से ये वॉटर में चेंज हो जाता है, साथ में हम वॉटर लिख देंगे,
अब एक ऑक्सीजन रह गया, ये मर्क्यूरियस के साथ मिलके ऑक्साइड बना देगा, मर्क्यूरियस ऑक्साइड बना देगा, ठीक है इस तरह से। और ये जो हमारे पास ग्रे प्रेसिपिटेट है ये मर्क्यूरियस ऑक्साइड के ही है, ठीक है। तो ये ग्रे प्रेसिपिटेट्स मर्क्यूरियस ऑक्साइड के बन जाते हैं, इसके साथ हमारे रिएक्शन कम्प्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और होपफुली आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम जो है वो मैं इस पूरे ग्रुप नंबर वन का एक ओवरव्यू पेश करूंगी, क्योंकि इसमें हमारे पास पोटाशियम क्रोमेट, पोटाशियम आयोडाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तीनों ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो एक दफा ब्रीफ सा इसका फ्लो चार्ट इसको कहते हैं ग्रुप नंबर वन का, बेसिक रेडिकल्स ग्रुप नंबर वन का, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो दूंगी, ताकि आपको इस जो है वो कम्प्लीट फ्लो चार्ट आपका समझ आ सके, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।